हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए जो खूबसूरत नमूना लाए हैं ये बहुत ही सिंपल स्टिचेस का कॉम्बिनेशन है। हमने ये जितने भी स्टेम यूज़ किए हैं ये इसमें स्टेम स्टिच यूज़ की है। इसके अलावा ये जितने भी लीव्स हैं इसके लिए हमने रोमानियन स्टिच यूज़ की है। ये फ्लावर में हमने बुलियन स्टिच और लेजी डेजी बुलियन यूज़ की हैं। बीच में हमने ये जो ये पर्पल रंग है इसमें हमने साटन स्टिच यूज़ की है। ये फ्लावर कैसे बना है ये हम आज आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने फ्लावर के बीच वाला हिस्सा साटन स्टिच से बना लिया है। फिर अपनी सुई में जो भी हम जिस भी कलर का धागा चाहते हैं वो कलर का धागा ले लिया है और फिर एक कोने से हमने अपनी सुई को बाहर निकाला है। फिर जो भी पेटल, ये जो इनर पेटल्स हैं ये वाली छोटी वाली ये हम बना रहे हैं। पेटल जहाँ पे हम ख़त्म करना चाहते हैं वहाँ से हमने अपना सुई को फिर से इंसर्ट करते हुए, देखिए यहाँ पर हमें पेटल ख़त्म करनी है, यहाँ से इंसर्ट करते हुए फिर उसी पॉइंट पे जहाँ पे ये है सुई, ये देखिए सेम उसी पॉइंट पे हमने फिर से अपनी सुई को बाहर निकाल लिया है। फिर इस धागे को सुई के ऊपर 15 टाइम्स हमने लपेटा है। ये जो बुलियंस बने हैं ये 15 टाइम्स पे बने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। 15 टाइम होने के बाद इस सुई को धीरे से हम अपनी ऐसे लेते हैं और इसे बाहर खींचते हैं इस तरह से। थोड़ा सा रोटेट करके हम इसे बाहर खींचेंगे। धीरे धीरे धागे को लपेटने नहीं देंगे और इसे ऐसे बाहर खींच लेंगे। इसे एडजस्ट करके बुलियन तैयार कर लेंगे। ये हमारी पहली बुलियन तैयार हो गई। इसी तरह से हम बाकी बुलियंस भी बनाने वाले हैं। इसे फ्री ही रखेंगे, अटैच नहीं करेंगे किसी जगह से। अब अगली बुलियन बनाएंगे हम। अगली बुलियन बनाने के लिए इस जगह पे अपनी सुई को फिर से इंसर्ट कर देंगे और अगली जहाँ पे एंडिंग है वहाँ से ऐसे निकाल देंगे। ये एक बुलियन रेडी है। फिर हम यहीं से लेते हुए फिर उसी पॉइंट पर लेके जाएंगे यूं और फिर 15 टाइम्स लपेटेंगे। थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन और फिर से ऐसे धीरे धीरे निकालेंगे अपनी सुई को। वाह, हमने इसके लिए रेशम का धागा यूज़ किया है। आप कोई भी धागा जो आपको अच्छा लगे, शेडेड धागा भी हमने इसमें यूज़ किया है। आप चाहे तो प्लेन धागा यूज़ कर सकते हैं, हमने इसके लिए शेडेड धागा यूज़ किया हुआ है। ये देखिए हमारी दूसरी बुलियन भी रेडी हो गई है। अब इसको भी इसी पॉइंट पे हम एंड करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारी दो बुलियंस रेडी हो गई। अब यहाँ पर हम लोग 5 बुलियंस टोटल बनाएंगे। जब ये 5 बुलियंस बन जाएंगी फिर ये हम लेजी डेजी बुलियन स्टिच बनाएंगे। ये देखिए हमारी बुलियन स्टिच रेडी हो गई है। अब हम इसके चारों ओर लेजी डेजी बुलियन स्टिच बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हमने अपना धागा यहाँ से निकाल लिया है। फिर इसी जगह से पास से ही सुई में
थोड़ा सा कपड़ा ऐसे लेते हुए, ये देखिए इधर से घूम के देखिए, ऐसे लेते हुए थोड़ा सा कपड़ा आपने यहाँ ले लिया है, सुई को अपनी उंगली के नीचे से करते हुए, धागे को सुई के नीचे से ले जाते हुए 5 टाइम 6 टाइम हम लपेटेंगे। 1 2 3 4 5 6 सिक्स टाइम लपेटने के बाद हम अपनी सुई को धीरे से बाहर खींचेंगे। धीरे से ये हमारी बुलियन लेजी डेजी बन गई। इसमें लेजी डेजी के साथ बुलियन स्टिच दोनों हैं। यहाँ पे हम अब अपना ये इंसर्ट कर देंगे और फिर थोड़ी दूर से हम यहाँ से सुई ऐसे बाहर निकालेंगे, सेट हो जाएगी। फिर यहाँ से हम फिर यहाँ से पास से लेंगे, धागे को इस तरफ कर देंगे, यहाँ से ऐसे लेते हुए थोड़ा सा कपड़ा यहाँ लेंगे, फिर ये नीचे से ले जाके 5 टाइम लपेटेंगे। 5, फिर एक बार 6 बार, 6, फिर से धागा धीरे से पुल करेंगे। इसके लिए जो धागा यूज करना चाहिए वो कम विस्कस होना चाहिए, जिससे वो स्लिप हो पाए आराम से सुई पर। ये देखिए ये हमारी बन गई। फिर यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, फिर थोड़ी दूर से हम लेंगे, यहाँ से लेते हुए यहाँ पे थोड़ा सा लेंगे कपड़ा, फिर ऐसे सुई को नीचे उंगली, फिर ऐसे 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से पूरा हम जो भी बाहरी गोला है, अंदर का यह हिस्से बन गया और बाहरी गोला, इस ढंग से ये बना लेंगे। ये देखिए हमारा ये नमूना रेडी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, और ऐसे ही और वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।